अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मशकूर टीवी में खुश आमदीद। आज मैं हूँ उच शरीफ में, जो कि ज़िला बहावलपुर में वाक़िया है। ये बहुत ही पुराना इलाक़ा है। यहाँ पे हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी मज़ार हैं जो पहले एक सैलाब की वजह से गिर गए थे। उनका एक हिस्सा मौजूद है और एक हिस्सा ख़त्म हो गया था, सैलाब में बह गया था। तो उनकी वो दिखाऊंगा आज आपको मैं। ये रोड देखिए, ये काफ़ी पुराना इलाका है। एक गांव की शक्ल ही है। गांव में जिस तरीके से छोटे छोटे रोड्स होते हैं, तो उस किस्म का है। तकरीबन 2 किलोमीटर बताया है इन्होंने। यहाँ पे एक कदम गाह है हज़रत मौला अली की। उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल से, आप देख सकते हैं। वो भी इस मज़ार के बिल्कुल ही करीब है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा यहीं पे इस वीडियो में मैं आपको एक और मज़ार पे लेके जाऊँगा, जो यहाँ से तकरीबन फिर आगे 2 किलोमीटर दूर है। वो सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का है। उच शरीफ के करीब 5 नद हेड है, जो के तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश साहिब का। तो अब हम करीब पहुंच चुके हैं और पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करके मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने मज़ार है। ये मज़ार का एक रुख है। इसी के तरह के तकरीबन 3 यहाँ पे मज़ार हैं। सामने 2 मज़ार जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक साइड है मज़ार की, और अंदर से मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, जो कि आधा गिरा हुआ है। ये देखिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए अंदर से, ये सैलाब के आने की वजह से आधा गिर गया था। और यहाँ से मज़ार के अंदर जो साहिब थे, उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था यहाँ से। अब ये खाली गुंबद ही खड़े हैं। ये दूर से ही नज़र आ जाते हैं, जब मोटरवे जो बना है अब इस वक्त, वहाँ से भी ऊपर से ही नज़र आ जाते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऊंचाई पे होने की वजह से दूर से ही नज़र आ जाते हैं। ये हमारे ग्रुप वाले हैं जिनके साथ सफ़र किया है। ये अतराफ से देखिए कितना सरसब्ज इलाका है।
अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, दूसरे मज़ार जो दो और हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, उनके करीब जाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। ਉੱਚ ਦੇ ਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦੇ ਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕਸੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਾਇਆ ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਰ ਮਰ ਖਾਕ ਸਮਾਉਂਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਪਾਈਆਂ
ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਖਿਡਾਈਆਂ ਸਭ ਖੇਡ ਖੇਡ ਘਰ ਆਈਆਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲਵ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲਵ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਵਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕਸੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਿਆ ਸਤ ਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਤ ਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸਈਆਂ ਲੋਕ
शर्म रखी तू सईया सब मर मर खाक समावदी असा तलब सईंदे नाम दियो नाम दे नाम दियो नाम दी असा तलब सईंदे नाम दी अचरज खेड खिलाइया सब खेड खेड घर आइया अस तलब सही दे नाम दियो नाम दी अस तलब सही दे नाम दी खोना कोई पीर असा पूरी गल ना भावदी असा तलब सही दे नाम दियो नाम दी एक शाह हुसैन फकीर एक शाह हुसैन फकीर तुसा आखो ना कोई पीर असा कुड़ी गाना बांदी असा तलब संगे ना तुसी उठे तुहारी जात भी उठी तुसी बेच उच दे रांदे तुसी उच्चे तुहाडी जाओ तुवी उच्ची तुसी बेच उच दे रांदे असी कसूरी साडी जात कसूरी असी विच कसूर दे रहंदे जिन मुजाज दे पहुंचे ते सी दिठी हल शाह हुसैन दा कलाम दरबार दे गाया क्या अस तलब साई दे नाम दी अस तलब साई दे नाम दी बाद
शैया बादशाहू बाउद शैया शाह उगराइया महर पिंड कराम दी असा तलब सही नाम दियो नाम दियो नाम दी असा तलब सही देना